छोड़ देने देखो कम वक्त इसलिए मैं आया। कपड़ा डालो मुंह पे, कपड़ा डालो। उसका शोहर उसके पर यकीन नहीं करता रे। जा उसके शोहर को समझा, उसके साथ में रहो बोल के। क्यों उसके छोड़ के गया उसको? कपड़ा डाल बड़ा तुम चल रही कपड़ा उसको और तेज से। उसका शोहर फिर छोड़ के गया बड़ा बोल काट के जला देंगे तुझे। झगड़ा उसको तेज के साथ में। मेरे पास में अल्लाह का कलाम है, समझाएगी तो मुझे। इनके फोन में ये फोन में रात भर बहुत जोर से। तूने बहुत खूबसूरत है रे, खूबसूरत हो गया लोग में, बहुत खूबसूरत है रे। झगड़ा उसको और तेज साथ में। पहले परिजात थी, समझाएगी तो परिजात थी ये। कहाँ से लाए थे? कहाँ से कब्रिस्तान से कहाँ से आया था? लगा ताकत लगा रे, ताकत लगा रे। चलाओ 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 उसका हाथ को चलाओ, तेज चलाओ। चलाओ उसको तेज से। मुझे काम कर जाने दे, मुझे काम जाने दे, मुझे काम जाने दे। तेरे पास में नहीं अंदर था, तेरे पास में नहीं अंदर था। करवशले बाबा है तो उसे करवशले बाबा। हाँ करवशले बाबा भी थे। उसने धागा बांधा उस दरगाह दरबार में जाकर उसने धागा बांधी। बाबा मुझे क्या हो रहा है? और भाई को भी इसका इलाज कर। इसका भाई का भी शादी नहीं होने दे रहे। कितने साल से होने दे रहे? उसका भाई को शादी नहीं होने दे रहे। कितने साल से तू उसके आंख पे? मैं 9 साल हूँ, मैं 9 साल से हूँ रे। 9 साल से परेशान कर रहा। हाँ। क्या मकसद से आया था? क्या मकसद से आया था? नहीं बोलता। जलाओ उसके अंदर तेजी से आग लगाओ, लगा कितनी देर पूरी ताकत लगा उसको, मारो उसको बाहर से जंजीरा ला के। बिस्मिल्लाह ومن قصد قليلا أو بداها ليقتل قطلنا صنفا سقيلا إنا ناشية الله هي أشياء وطن وأقوى مقيلا إنا لكما حارس صباحا سبيلا واذكر اسم ربك وتبطل إليه تبطيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وكيلا واصبر على ما يكون بهجر الجميل ضرني والمقربين والمقلدين إنا لدينا أنقالا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فانطلقوا بالحق يوم يأتي النجم ثاقب فأودوه مفعولا إنا هاضين ومن شطر السبيل إنا فأقرمت نخم السلام وبالزكاة وأخرجوا الله قرضا حسنا وما تقاسم لكم من قرض تجدوه عند الله خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. जलाओ उसको तेज, जलाओ उसको बाहर से जंजीर लगा के जलाओ उसको तेज एक साथ में जकड़ के जलाओ उसको। उसके शोहर को निकाल लो, चालू कर यकीन नहीं करता इस लड़की से। देखा ना कैसे मार पड़ती है, और मारने लगा तेरे अंदर से और आग लगा देंगे। सवाल के जवाब दे सही तरीके से। कितने साल से वो बच्ची के आंख पे? 9 साल। कपड़ा डाल रहे उसके मुँह पे। 9 साल से कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से। तुम्हारे वाला इंसान है, जिन्नात है। नहीं बोलता, फिर आंख लगा था मैं तेरे अंदर। चलो उसको लाओ बाहर से, जंजीर तेज जकड़ के चलाओ चलाओ, ऐसा झगड़ो उसको कि उधर ही रख के उसको मारो, उसको बंद बंद ना लाए। कौन है? जिन्नात। कौन है? जिन्नात। सुने नहीं आ रहा मुझे। कौन? जोर से। जिन्नात। कौन है? जिन्नात। अच्छा, क्या तकलीफ दे रहा था बच्ची को? मैं इसकी खूबसूरत भी देख के फिदा हो रहे। हाँ। खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत है वो। वो मेरी जात है, इसलिए मैं इसके पास आया आया उसे मैं नमाज पढ़ने जाती थी, उसे पढ़ने में रुका हुआ था। और वो बहुत अल्लाह का करने जाती है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके उसे खाने आए थे। बेटी तू डरना, मैं हूँ तेरे पर। ये तो पढ़ने जा रही, मैं इसे पढ़ने नहीं दे रहा थे। कुरान पढ़ने नहीं दे रहा था तुमको? कुरान नहीं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा था। नमाज भी नहीं। और तुम कहाँ मिली थी ने? मजे 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 कहाँ मिली थी तुझे उन्हें? बोल। नहीं बता, नहीं बोलता। जलाओ फिर उसके अंदर से। हाँ, लगेंगे तेज जला जला के राख करिए। जलाओ और तेज से जकड़ लो उसको, और तेज जकड़ो और उसको मारो, उसको खूब मारो, उसको चाकू का लाके जंजीरों से मारो उसको तेज से। क्या समझ के उन्हें जुल्म दे रहा लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झगड़ो कुत्ते से पुरखा बरोबर करो इनका थोड़ा। एक बच्चे पुरखा बरोबर करो थोड़ा, अंधे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलाओ उसके अंदर आग लगाओ। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला क़लीला निस्फ़हू قسم قليل أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا من سنور القيس الناشط الذي أشهد وضم أحوال إنا لقبنا حسب النبيل واذكر اسم ربك وربط ذكر تبتلا رب المشرق والمغرب لا ينطق النبيل واصبر على ما يقولون وأجر جميل وذرني والمغضبين عنا مدمر قليل إنا لدينا لمدخل وعذابا أليم يوم تقعد غير كنز القطب المستقيم إنا أرسلنا إليك رسولا شاهدا عليك كما أرسلنا إليك أنت رسول ربك يجعل كان وده مفعولا هذه تذكرة إن هذه تذكرة ومشتتها سبيلا إنا يلمون طائفة من الذين ماتوا والله يقنار الله بالنهار المدد توصف الطريق آخر مريض ما آخر ظن حسنا وما تقدم لأنفسكم من قبل الجحر عند الله خير زاجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. जलाओ उसके अंदर और तेज से आग लगाओ। बाल का काटा हटा दो, काटा हटा दिए तो बाल आप बहुत पर्दे का काम करते हो। इसके बाल अभी चले जाने दे। रगड़ लो उसको तेज से, भाई सब को रगड़ लो उसके। अरे बहुत खूबसूरत। रखो 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 बाबा बाबा रखो, बस बस बाबा, बस बाबा रखो 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 बाबा, बस रे बाबा, बस रे बाबा, रखो रे बाबा, बस 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 रे। अयो 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 भाई, पहले पहले बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा था मेरे सामने। आप देखा अब अल्लाह कलाम की ताकत कैसी है। तो बोल और मारने लगा खैर और आग लगाने लगा था अंदर से। जलाओ और तेज से जलाओ उसको अंदर जाओ और तेज से आग लगाओ। बिस्मिल्लाह कैसा क्या आ गया तू उसके ऊपर? कैसा क्या आ गया? ऐसा तू नहीं आ सकता। खुद बहुत झूठ बोल रहा बखत नाला तुझे मार मार के खत्म कर दिया। तुझे क्या समझा तूने मुझे? हाँ बोल। झगड़ लो उसको और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर झगड़ के। अब मैं तेरे दोनों हाथ काट दूंगा और वह टांग दूंगा। बोल काट दूं? क्या तकलीफ दे रहा था तू उसको बच्ची को? निखत को शिव तो करेगा हाँ। और कुछ ना कुछ बीमारी डालने का हाँ। और दवा खाने को भरने का हाँ। वो लगा तुम्हें। अच्छा दवा खाने भरने लगा रहा था तकलीफ हाँ। पैसे पूरे हाँ वाह शातिर जिन्नात नाला घर में पैसे पूरे खाली कर रहा था। क्या कर रहा था? खाली कर रहा था घर में पैसे। पैसे बर्बादी को लगा रहा था हाँ। कि उसे बहुत शौहर तंग आकर निकाल दे घर से बोल हाँ। मियाँ बीवी में झगड़े भी लगा रहा था हाँ, लगाता था। अच्छा उसके बच्चों को परेशान कर रहा था? बच्चों को नहीं हाँ। बच्चों को नहीं परेशान करता हाँ। और क्या क्या कर रहा था? और वही काम कर रहा था। इसको मार के ले जाने वाला था साथ में निकल। कैसा ले जाने वाला था? मार के। कैसा? वही दवा खिला के बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड करा के कैसा? नहीं नहीं हाँ दवा खिला के मारने वाला था हाँ। तो खुद के हाथ से उसको दवा खिलाने लगा देने वाला था हाँ, हाँ। यानी कि जहर खिलाने वाला था हाँ। वारे शातिर जिन्नात नारा कितने हजार साल कितनी उम्र है तेरी? कितनी उम्र है? कितने सौ साल का है? कितने साल का है? मारो उसको और मारो जंजीरों से। मारो उसको जंजीरों से। उसको सलाह में गरम करके लाओ। सलाह है उसको गरम गरम हार पार कर उसके डाल के। वो बड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं छोड़ता रे। नहीं छोड़ता रे मैं नहीं छोड़ता रे। नहीं छोड़ता रे मैं नहीं छोड़ता रे। मैं नहीं छोड़ता रे। मैंने छोटा और क्या कर रहा था सही तरीके से दाल मार रही है। और क्या कर रहा था और कुछ नहीं। इंसानों को जुलूम दे रहा, इंसानों की दुनिया में आज क्या काम है तेरा, इंसानों को दुनिया में कम वक्त नाला। कितने लोगों को मारा अभी तक, कितने इंसानों को मारा। ये पहला शिकार था गए। अच्छा तू कौन है, तू काफिर जीन है मुस्लिम जीन है, क्या हमारे वाला इंसान है, कौन है, कौन है। हाँ दरगाह में गया तो दिखा रहा था उनको मैं खोनो को दूध ना रखा, दूध ना रखो ये हो गया अभी 2 साल हो गया हमको, एकदम से पागल जैसे मैं जेल हूँ। हाँ 9 साल हो गए, 9 साल हो गए बराबर 9 साल हो गए। और दूध ना लेके गए, फिर मैं तुम्हारे वीडियो देख देख के अम्मी को बोलता था कि इसको लेके जाएंगे वहाँ पे, किसको नहीं लेके जाने जरूरत है। करवेशले बाबा बेटा करवेशले बाबा बेटा जो करवेशले बाबा कुछ छोड़ता है यहाँ नहीं जरा था उनको वली है वो। हाँ तो यहाँ नहीं आने रहा था, वो निकालते हैं वो वली है। तो ये लोगों को नहीं आने रहा था, इनके रास्ते में काटे डाल रहा था। हाँ काटे डाल रहा। हाँ यहाँ मार लूँ ना तेरे को, मार तो पकड़ लोगे नहीं आने रहा था। हाँ रे कैसा मार रहे पकड़ के उनको मालूम है क्या करना तेरे साथ। लाओ उसके हाथ में तेज आग लगाओ, लाओ उसको जला दो, उसको नालायक को खूब मारो, मारो उसको। पानी दे रख रहा है गट कर के निकला, पकड़ के पानी बात मत करे, पानी पिला क्या ना पूछो जल्दी पी रहे तो पूरा मार के जला दूंगा। ये जल्दी ना पूरा जला के रख कर दो, जल्दी भी कम वक्त ये जल्दी। जाओ उसके पेट में से आग लगाओ तेजी से। हाँ जलाओ 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 तेज जलाओ, उसके पेट में से आग लगाओ। करतूत भी कर रहे थे उसको, करतूत भी कर रहे। कौन कर रहा था वो, क्या नाम है उसका। करतूत करते टाइम पे क्या ले गए थे, उसका बाल कपड़ा मट्टी चप्पल क्या लिए थे, क्या लिए थे उसका करतूत करते टाइम पे। कपड़ा 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 कौन सा कपड़ा था, शलवार का शर्ट का। हेलो खबरा सर गिरा रहे मट्टी। कौन लाया था वो, औरत लैथियत में लाया था। हाँ जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, तो काट दूंगा अभी औरत से आग लगा के। कौन लगा था वो औरत आदमी था। हाँ कौन थी वो, कहीं मिला खिलाए थे इसको करतूत करते टाइम पे। हाँ कहीं में मिला के खिलाए थे। चलो ठीक है इसको बन के डाल दो, इसको नाला करो, इसको जला के राख करने की तैयारी करो, इसको पूरी तेज कपड़ा दाल मुंह बन गए। बाबा के अभी क्या बोलूँगी और क्या बोलूँगी। और क्या मामला है? नको 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 बाबा बोल दो। औरत थी। इसकी ससुराल की थी, मायके की तरफ की थी। ससुराल की तरफ की, मायके की तरफ की। ससुराल की। हाँ? ससुराल। नाम पूछाने का? नाम पूछाओ। नाम पूछाओ नाम उनका। बता कौन औरत थी वो? तुम्हारे कौन है ये? बहन। कौन औरत थी वो? शमशाद। कौन होती उसकी रिश्ते में? शमशाद। रिश्ते में कौन होती इसके? शमशाद। उसके माँ की बाकी उसके उसके चटानी की माँ, उसके चटानी की माँ। ये बच्ची की उसकी क्या दुश्मनी थी? वही कि देवरानी उसे ये सब प्यार करते, मेरी बेटी को प्यार नहीं बोलते करते बोल के वो कराई करे। अच्छा, शमशान से करी, कब्रिस्तान से करी जादू? शमशान से। हाँ, शमशान से। इसका क्या ले गई थी जादू चलाते वक्त? कपड़ा रे। अच्छा, वो जो औरत है उसकी बेटी का क्या नाम है? आसमा। क्या है? आसमा। और कितने लोग मिले आले उसके साथ? चार पांच। कौन है? कौन है? दो आदमी और दो औरत। अच्छा, ये बच्ची को कब मारने आले? निखत को अमास में, पूनम में। निखत को अमास में मार देने वाले। हां, अमास मारने वाले। टाइम करीब है क्या? कितना टाइम बचा अभी? कितना टाइम है अभी? एक साल से मरने वाली थी वो। अच्छा, हां, मरने वाली थी वो एक साल से। तू आया छोड़ मुझे। अब नहीं छोड़ते, अब सबको जला के राख करेंगे। चलो जल्दी तौबा कर। उठा दो ना हाथ ऊपर, जोर से कपड़ा मुंह पे डालो। जोर से तौबा। बार-बार बीमार पड़ती थी। बात मत करो। हां, बार-बार बीमार पड़ती। हां, करेंगे आप उसको तो परेशान नहीं करता। हां, नहीं करता। चल तौबा कर, जल्दी मुंह पे हाथ मार और चीख मार के तौबा कर। तेरी आवाज सुनना है मुझे कितनी है। तौबा और जोर से एक आवाज लगा और तौबा बोल के जल्दी। तौबा। अरे उसको कराए तो भी कुछ नहीं हो रहा। अरे वो क्या है? सब निकाल के जला के रखा है। तू दिखना नहीं मुझे दोबारा उसकी आंख में ना आना। चल अब बोल, कौन है तू? तेरा नाम क्या था? मेरा नाम क्या? नाम है तेरा? मेरा नाम सही बता। जल्दी बोल, क्या नाम है? नहीं बोलता रे। चल अब मेरे पास में रह जा, मेरे फौज में शामिल हो जा, मेरे पास गुलाम बन के रह। बाहर जाके लोगों की खिदमत करना जो आ रहे वो, और जो कोई भी मेरे बारे में बुरा सोच रहे या बुरा करने का सोच रहे उनका दिमाग पढ़ के फौरी उन पे हमले कर जाके। क्योंकि अच्छा करने वालों के रास्ते में कांटे डालने वालों को दुनिया में जीने का हक नहीं है। समझ गया? चल तौबा कर, जोर से आवाज लगा के चीख मार जल्दी तौबा की। होगा जा रहा आप क्या ना पड़ता तो हाथ काट देता। चल बोला, गुलाम है तू। किसका गुलाम है? टीपू सुल्तान का। चलो गुलाम है वो नहीं छोड़ता रे। इंसानों की दुनिया मनमाना नहीं चलती है। तूने मनमाना करने से पहले मेरा परमिशन लिया था क्या? कैसा तू मनमाना करता दुनिया में? वो उसको क्यों बुलाने का? तेरा रिश्तेदार है, उन्हें रहता नहीं। जो भी है वो करेंगे। तूने तोड़ा होगा ना उसके शोहर को बीच में। हाँ। घुस के कमीने। हाँ। क्या कर रहा था तू? दोनों में झगड़े लगा रहा था। हाँ। हाँ? हाँ। क्यों लगा रहा था? वजह कौन बोले थे तेरे को झगड़े लगा? नहीं देर मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। इसको मार के ले जाके इससे पहले कितने लड़कियों को मारा? फिर छोड़ इसको। चंदीकल इंसानों को दुनिया में जमता नहीं है। जमान माना है तो मैं तेरे हाथा काट के ले लूंगा और तेरे मगर हाथों के छोड़ दूंगा। फिर बोलना नहीं, मैंने हाथा पिता काटा तो फिर। चल हाँ निकल। जलाओ उसके अंदर और तेजी से आग लगाओ। अब तेरे दोनों हाथों को काट दूंगा मैं तेजी से। जा रहा कि नहीं जा रहा? जल्दी चलो उसके हाथ रखना जमीन पर। जल्दी दोनों हाथ रखना जमीन। बोला मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा बोलना। और मैं हजरत की फौज में शामिल हो जाऊंगा और बाहर खड़े रह के लोगों की खिदमत करूंगा। जो भी इलाज को आते तो यहाँ सबकी। हजरत की हिफाजत में रहूंगा। जो कोई भी उनके बारे में बुरा सोचेंगे तो उनके खानदानों को मिटाने की तैयारी करूंगा, वरना चल अब तू मेरे घराने का गुलाम है, मेरे घराने का गुलाम है। जल्दी नहीं तो फिर चलो मार देंगे, मार देंगे फिर। पानी पिलाओ उसको और दम करा के। उसका शोहर उसके पर यकीन नहीं करता, जा उसके शोहर को समझा कर जा, जा समझा, जा शोहर से तू लेगा, तू समझा के लेगा जाके। हाँ। जैसा तूने दुआया ना बीच में घुस के, वैसा तू जाके लेके आएगा समझा के। गुनाहों से तू तौबा करेगा कम वक्त। लाओ उसको पेट में तेजी से। मैं नहीं करता रे। इसका मतलब तू लगे वाला जिन्नात नहीं तुझे खिला के छोड़ा ला नाला, तुझे ला के उन्हें छोड़ी इसके अंदर बैठे, तुझे ला के कम बखत कमीने, और तू उसकी जान लेने को आया था, उसका संसार तुड़ा के करके क्या क्या करके जाना लेने वाला था तू। ठीक है, तुझे बन के रख के मार के तुझे खत्म करेंगे पूरा। चलो इसको जंजीरें डाल दो, आज रात 12 बजे के बाद से इसको कस के जंजीरें डाल के बन के डालो, और इसको इतना मारो उतारे के अंदर, इसकी सारी शक्तियों को खत्म करो, और बाद में इसको तीसरे उतारे के बाद में इसको ले जाके समंदर के अंदर कैद खानों में डाल दो। नाला को छूटने मत दो इसको। जुल्म दे रहा लोगों को तो फिर इन्हें दुनिया में रहने का इसको हक नहीं है कोई। ये लगाओ नाक में खंडो में। हाँ बोल। खूबसूरती देख को दिखा रहा है उसको, अच्छी लगती है को देखो और आगे बढ़ाने को। इसके भाई को भी कराया क्या कुछ? इसके भाई को गोवा में रहता तो वो उसको भी करे क्या कुछ? उसकी शादी नहीं होना। यासीन, उसकी यासीन को कुछ करे क्या? उसको कौन करे यासीन को? कहाँ रहता वो? छोकरी है छोकरा है दोस्त उसका, जिसने जादू करा सो। दिमाग घटना को। हाँ और कमाना नहीं बोल को। अच्छा कमाना नहीं, दिमाग भटक के रहना, बावरान फिरना बोल के करे सो है। शादी भी नहीं होना बोल। अच्छा कौन करा वो, कौन है वो? लड़की है लड़का है? औरत। अच्छा तो उसकी कौन होती है वो? दोस्त है रिश्तेदार है? रिश्तेदार। कहाँ रहती वो? उसके साथ में उसके गाँव में किधर? कपड़ा वाले मुँह पे हो। कहाँ रहती वो? बेलगाम में। अच्छा यासीन का क्या लग गया था जादू करते हुआ? खत उसका कपड़ा कौन से कलर का? ब्लू कलर का। शर्ट का पैंट का? पैंट। कितना टाइम हो रहा लीजा के? 4-5। चोरी हुआ था के पहले शर्ट? और प्रॉब्लम्स मतलब बहुत आ रहे थे मुझे, जैसे कि काम करने का मन नहीं कर रहा था और घर में रहने का मन नहीं कर रहा था। उसके माँ का भी कराई रे, उसके माँ का भी कराई रे। माँ पर क्या बोल के करे सो? ऑपरेशन ना बोल को। क्या बोल के करे? हां ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हम बोल के करेंगे। और उसके इसे भी कराए थे क्या? उसकी दूसरी औलाद ने होना बोल को निषेध कराए थे। अच्छा भी करोशा ले बाबा का पाजी ना कोई, इसलिए इसको लड़के पे दान करे। अच्छा अरे ये यासीन को कौन करा? यासीन को कौन करा वो? हाँ कौन करा वो यासीन को? उसकी खाला रे, उसकी खाला रे। क्या नाम है उसका? महबूबी। माँ को कौन करे सो? माँ को कौन करे? माँ को भी वही कराई। देखिए माँ भी खाला। क्या दुश्मनी थी? माँ को भी वही करे। उसके बच्चे आगे बढ़ रहे थे बोल के वही से जाके वही कराई इसको उसने, और उसके बेटों के ऊपर भी चलती है रे वो। हाँ बस रे बाबा, हम लोग तो उनको पैसा डाल के पैसा देते कपड़े देते। बस रे बाबा, बस रे बाबा, नको रे बाबा, मुझे नको रे बाबा, भाग सकता, तू सोच रहा मेरे हुक्म के बगैर जा सकता तुम यहाँ से? कभी काट के दो टुकड़े कर दूंगा। जल्दी इधर आ गौरी, जल्दी आ, बच के जा सकता समझ रहा तो। उसकी सास भी करा रही थी लेकिन उसके ऊपर असर नहीं हुआ। क्या नाम है उसका? खादर पे जमादार। कहाँ से करा रही थी? खादर पे जमादार। क्या बोल के करा रही सो? के बच्चे अपने ताबे में होना बोल के बेटा ना छोड़ना बल्कि भूमों को करा रही थी। और चल इधर आ गया, जल्दी आ गया, मैं काट दूंगा वहाँ कम वक्त। जकड़ो उसको तेज सामने, आग लगा उसके अंदर से। इसी लड़की का कोई भी नहीं सुन रहे थे। उसको बहुत बीमार पड़ती थी घर में, और वली अल्लाह उसका साथ देते थे, वली अल्लाह उसकी मदद करते थे, उसका कोई भी साथ नहीं देते थे। गौस पर बाबा उसका साथ देते थे। हाँ, गौस पर बाबा उसका साथ देते थे। उसका शौहर भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। नकोरे बाबा, नकोरे बाबा, इधर आके जल्दी लाओ उसको, जंजीर डाल के खींच के रोज मैदान में। वो लड़के के ऊपर भी कराई दो। कौन सा लड़का? शाहिद के ऊपर। क्या बोल के करे शाहिद पे? शाहिद बोला बनना नहीं, और आगे बनना नहीं बोल के उसका बच्चा आगे बढ़ना नहीं बोल के कराए। उसका बच्चा छोटी को भी कराने वाले है, उसकी बेटी को भी कराने वाले हैं। क्या बोल के दिमाग मंड होना बोल के कराने वाले हैं। उसको घर छोड़ बोल रहे, उसको वहाँ से घर छोड़ बोल रहे उसको। चलो उसके हाथ जकड़ लो, उसके हाथ काट दिए। एक सबको करा रहे हो, सबको करा रहे। वली अल्लाह साथ दे रहे उसको। जा रहा के दिल टुकड़े कर ऊपर। हां जा तू रे। मुझे परेशानी होने लगा था कुछ। हाँ, यासीन कौन डाला था परेशानी में? वही उसके खाला डाल रही थी। सब पैसे रुक रहे थे, बिजनेस नहीं चल रहा था, काम ने मन नहीं लग रहा था। इमरान के पेट में डाले सोए। इमरान उसका भाई, इमरान का भी पेट दुखता है। कौन डाले सोए? वही। छोड़ते नहीं देखो, अब नहीं छोड़ते, अब देखो बाजार छोड़ते देखो मार के बदन करते। जल्दी तोबा कर जल्दी। चल इधर कैमरा, ये जो है ये इन्हें बोल रहा कि लगे वाला हूँ मैं, कहीं से आए वाला कुछ ज़्यादा लगे वाला हूँ मैं, आए वाला हूँ बोल रहा है। ये लगे वाला शैतान ऐसा नहीं होता। ये जो है तो ये लाकर खिला के छोड़ के गली कौडाल से तंत्र मंत्र से करे वाले खेल है। हाँ। और ये जो भी दास्तान है तो खैर अल्लाह के हुक्म से तो जला के राख करेंगे, मगर वो कैसे बातें बता रहा था, सारी दास्तान बयान किया। फोन करे, क्या करे, कहाँ से लाए, अब मुझे तो पता नहीं कौन करे क्या करे। वो जो भी है मैंने सामने बता दिया, उसकी जबानी पकड़ के पूछा है। इससे पहले 9 साल पहले भी हाजिर हुआ था, बोलते हो 9 साल पहले हाजिर होके कुछ सवाल जवाब किया था, कुछ सतारा था, दीवाना है, पागल है वो लड़की बोल के सब उसको सब मैं लोगों के सामने पेश करा रहा था। लेकिन वो 9 साल के बाद तब गया तो ये लोग समझेंगे चलेगा, मगर बाद फिर यहाँ पे लाते यहाँ हाजिर होगा 1 मिनट में। यहाँ पर पहली बार ही चाहे उन्होंने पहली बार में हाजिर होगा अल्लाह के हुक्म, पहली बार में सवाल जवाब वो सब हो गए। अब मैं उसको पूरी तरीके से खींच के निकाल के बाहर फेंकने की वो करा, तो उन्हें क्या बोल रहा कि मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि दवा अंदर नस में भीन कर बैठे वाली है। सिर पर दुपट्टा डाल उनके दवा जो है तो अंदर नस में भीन कर बैठे वाली है, तो वो वैसे निकल कर नहीं जाती। उसको अमल करके जला के राख करना पड़ता अल्लाह के हुक्म से। और वो ये कह रहा था कि बार बार कि मैं इसको नमाज नहीं पढ़ने देता, मैं हर इसके अंदर और हर मामले में तुमको बताता कि तुम अगर नमाज और कुरान के पास जाने से तुम्हारा जी घबरा रहा तो तुम समझ जाओ तुम्हारा दिल और दिमाग किसी के कंट्रोल में, कोई बला तुम पे हैवी हो गई और वो बला तुम्हारे को क्या बोलते तो उसके करीब नहीं जान दे रही। क्योंकि बला को हाजिर करने वाली जबान और हाजिर करने वाली ताकत अल्लाह सबको नहीं देता, चुनिंदा बंदे रहते अल्लाह के, उनके पास देते और सबको थोड़ी पता चलता कि कैसा क्या। तो इसलिए मैं तुम लोग कॉम अंदर है या नहीं है भला, इसलिए मैं तुम लोगों को एक कॉमन बात बता दे रहा हूँ कि कभी भी कुरान और नमाज के करीब जाने से दिल दिमाग तुम्हारा रोक रहा, तुमको तो समझ जाना कि कोई तुम पर जादू टोने में मबूस हो गए, तुम ज़्यादा से ज़्यादा जादू टोने के अंदर घिर गए तुम, और वो जादू टोना तुमको वहाँ जाने से रोक रहा। क्योंकि नमाज में जाते टाइम पे तुमको रुकावट आने लगी तो ये बात से तुम समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर कुछ हरकत है करे वाली। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुमको रोक रहा तो भी तुम खुद होके आगे बढ़ के जाना, ऐसा बोल के जाना कि नहीं हम देंगे, क्योंकि इबादत तुम्हारी ढाल है, तुम जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे वो तुम्हारी डिफेंस है, ये सबको मार पड़ती है और मार पड़ती है, सब खत्म होना चालू होती है इबादत की ताकत से, अल्लाह के फजल करम से। और दूसरी बात कि ऐसे हरकतें एक दूसरों के ऊपर नहीं करना, तुम अगर नेक बखत रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे भी नेक बखत पैदा होंगे अल्लाह के फजल करम से, और तुम अगर ऐसे दुनिया में बदमाशा करेंगे तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी नस्ल भी हरामजादी और कम बखत नस्ल पैदा होंगी दुनिया में। इसलिए तुम दुनिया से अगर चले भी जाएंगे तो तुम्हारी नस्ल तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगी, तो क़यामत तक तुम्हारे को उसका, अगर नेक नक्शे कदम तुमने छोड़ के गए तो नेक बनेंगे, गुनहगारी शैतान के साथिया बन के तुमने शैतान के पंजों पे पंजे रख के नक्शे कदम छोड़ के गए तो फिर तुम्हारी औलाद भी जादू टोने करेंगी, उसमें मबूस हो जाएंगी, यानी कि बहुत सगीरा कबीरा गुनाह करेंगे वो लोग, और उसके तुम्हारा अजर खबर में मिलता रहेगा, पेश होता रहेगा तुम्हारे सामने उन्होंने जो भी करेंगे। तो इसलिए अच्छे अमाल सिखाओ औलादों को, अच्छे नेक बनाओ, नेक बनेंगे इबादत करेंगे तो तुम्हारा उसका सवाब जारिया ख़याबर की खबर के अंदर भी मिलेगा। और अगर ऐसे मनमानियाँ करेंगे, एक दूसरे की जिंदगियाँ ख़राब करेंगे तो बहुत बुरी बात है, दुनिया में भी भरना पड़ेगा, आखिरत में भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर चीज़ की दुआ याद करना, खाने की, पीने की, चलने की, उठने की, फिरने की। दुआ मोमिन का हथियार है, बोले अल्लाह। दुआ की किताब के ऊपर पढ़ लो कि दुआ मोमिन का हथियार है, तो तुम्हारा दिमाग ये सोच के सोचता था होगा, पहले सोचता था, अब तो नहीं सोच सकता क्योंकि अब मैंने बता दिया प्रैक्टिकल में कि दुआ मोमिन का हथियार कैसे हो सकती है। तो हथियार यहाँ होगा, हथियार बेच, तो कैसा हथियार है देख लो, या ऐसी चीज़ों के से बचाता तुम्हारा, ऐसे ढाल है, हथियार है कि ऐसी चीज़ों को तुम्हारे नज़दीक आने से पहले वारों को पलटा देता और नज़दीक आने से पहले काट के दो टुकड़ों में फेंक देता तुम्हारी इबादत। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, बुजुर्गान दीन अल्लाह वलिया उनकी इज्जत एहतराम करना, क्योंकि उनके तो सदका तुम्हारा अल्लाह खिलाफा बुजुर्गान दीन का, वली अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह की हकीकत नुमाइनों में कोई इबादत करता है अल्लाह का वली, अल्लाह से कोई हकीकत नुमाइनों में कोई डरता है अल्लाह का वली। अल्लाह अपने वलियों से इतनी मोहब्बत करता, इतनी मोहब्बत करता कि मैं क्या बयान करूँ तुमको। जब एक बंदे से 70 माह की मोहब्बत करता, नालायक बंदे से भी, तो फिर अल्लाह उसके वलियों से कितनी मोहब्बत करता। और वलियों को अगर तुम बुरा बोलेंगे और वलियों को अगर तुम मजाक में लेंगे तो फिर ऐसे वबा में घेर लिया जाएगा तुमको, और ऐसे आफतों में घेर लिया जाएगा कि दुनिया की कोई दवा तुम्हारे ऊपर कार नहीं कर सकती और ना कोई दुआ का पानी तुम पे कार कर सकता। तो इसलिए सबसे अहम और अहम बात यह है अल्लाह के फजल करम से कि बुजुर्गान दीन का एहतराम करो, अदब करो, उन्होंने तो इस्लाम भलाई वो दीन में तबलीग के सबसे मेन, जिनके सदक़े तुफ़ैल में क्या बोलते अल्लाह ने इतना उनको खिला रहा, पिला रहा, जिला रहा, रख रहा, वो सब उनका सदका, उनकी इबादतों की बरकत की वजह से। इतनी इबादतें करे वो लोगों ने, इतनी इबादतें करे कि ना रात देखे, ना दिन देखे, ना खाना, ना पीना, ना कुछ ना क्या, बड़ी रात आई और तुमको अगर इबादत करो बोले तो 3 घंटे में तो तुम 3 जगह टेढ़े हो जाते, 30 जगह टेढ़े हो जाएंगे और 10 बार तो उठ के जाएंगे बाहर, और उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी इबादतों में डाल दी अपनी, कैसी इबादतें करते थे होंगे रात रात भर। गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद फरमाता, सबको पता है वाक़िया कि मैंने 40 साल तक हज़रत पे वाच रखा, 40 साल में मेरे हौसले टूट गए, मेरी सारी हिम्मत टूट गई, मगर मैंने कभी हज़रत का वज़ू टूटता हुआ नहीं देखा। आपने ईशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ा, 40 साल तक मैंने वाच करा, आज वजू टूट जाएगा, कल वजू टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा, क्या तकवा होगा, क्या परहेजगारी होगी। एक रात तुम क्या 3 घंटे तुम वजू नहीं संभाल सकते, और देखो और फिर वो लोगों को बुरा बोलने का तुम्हारा हक़ ही नहीं है ना, तुम्हारे पास वो ज़बान ही नहीं है, वो इत्तेफाक। और तुम अगर बुरा बोल रहे हो तो यकीनन समझ जाओ तुम्हारे दिल के अंदर कोई शैतान, कोई बला तुम्हारे दिल दिमाग में हावी है और वो बला उनके बारे में बुरा बोलने लगा रही, क्योंकि अल्लाह के वलियों के बारे में कोई बुरा बोलता तो वह सिर्फ शैतान और शैतानी ताकत है, क्योंकि उनके पास अल्लाह का नूर रहता और अल्लाह के नूर से शैतानी को डर के भागते, तो उन्होंने वहाँ जाने से कतराते और बुरा बोलते अल्लाह के वलियों को। समझ जाना तो भला अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कौन कौन जल्दी वही फिर रही, कौन वही उसकी खालक साहब में कौन मिला ले, और कोई नहीं, वही फिर रही सब जंतर मंतर कर लेते। 5 है क्या और कोई, वो कौन कौन है? वो 5 थे, उसकी बहू की माँ, वो उसके साथ में थे 5। अच्छा, हाँ निकल की तरफ से, हाँ निकल की तरफ से थे वो, आसमा की तरफ से, और वो उसके साथ में जंतर मंतर कर लेते फिर। और मेरे को खाला क्या बोल के कराई? हाँ वो आगे बढ़ना नहीं बोल के, हाँ काम पे मन माँ को नहीं देखना बोल के, ऐसा यहीं पे रुकता है कहीं पे, हाँ बोल दिया ना। 5 साल हो, 5 साल हो, काम पे नहीं जा रहा, घर में बैठा है, उसका दिमाग भटका रहे हैं, बड़े बेटे को भी पेट में डाले हुए हैं, और चलो ठीक है इसको जकड़ के रखो, इसको सबको नालायक रखो, इसको सारी इसकी ताकतों को जला के राख करो, उतार के अंदर और भस्म कराओ इसकी सारी शक्तियों को। पानी पियो पहले वो। कहाँ से आए थे? हाँ कहाँ से? कहाँ से? बेलगाम। अच्छा कितने बच्चे तुम्हारे? क्या है? हाँ ये कौन था? भाई। ये कौन है? अच्छा ठीक है चलो।